वार्ता में होगा ना, आप हमें पहले वार्ता के लिए हम बताएंगे, हम बताएंगे ना कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ पैसा है, ऐसा नहीं है कोई सचिवालय। पहली बात, सचिवालय संगठन या तो बाहर आता नहीं, अगर आता है ना तो फिर कुछ ना कुछ पाके आ सकता है। आपको भी समय बता देता हूँ। तो उन्होंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री एक सप्ताह इंतजार करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान रखते हुए अगर उन्होंने शाम के तकरीबन 7 बजे हमें मैसेज आया कि सेक्रेटरी टू सीएम श्री कंवर जी बुला रहे हैं, तुम उनके कमरे में गए, पांचों स्टेशन के लोग, उनसे हमारी चर्चा हुई, विस्तार में चर्चा हुई। फिर कंवर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके आपको समय बता देता हूं। तो उन्होंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप कल का यानी कि आज का रोस्ते, तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री कहा कि विद इन वीक हम आपको वार्ता के लिए बुला लेंगे। अच्छा, तो अब आप सर एक सप्ताह इंतजार करेंगे? हाँ, अब हम एक सप्ताह इंतजार करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान रखते हुए अगर उन्होंने पहल की है एक कदम, हम तो कहेंगे कि अगर एक कदम माननीय मुख्यमंत्री चलते तो 4 कदम चलने के लिए तैयार है। और हमने निर्णय लिया है, अभी हम हमारी मीटिंग होगी 1-2 दिन में, टेंटेटिवली हम 23 तारीख को फिर से जनरल हाउस करेंगे अगर हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया, यानी 22 तारीख तक आप इंतजार करेंगे। बिल्कुल, 23 से जो है वो जनरल हाउस, फिर से जनरल हाउस, उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ये थोड़ा ये विवाद उपजा क्या है, क्यों उपजा ऐसा विवाद, कैसी नौबत आनी पड़ी, क्योंकि प्रिविलेज मोशन की भी बात की जा रही है कि जो कर्मचारी नेता जो है वो कुछ भाषण दिए गए हैं उन पर प्रिविलेज मोशन ला रही है सरकार, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक ये विवाद कैसे उपजा, देखो हमने सिंपल सी गेट मीटिंग की थी, क्योंकि हम वैसे भी हर 6 महीने में एक बार गेट मीटिंग करते हैं, तो लेकिन अभी काफी टाइम से गेट मीटिंग भी नहीं हुई थी और हमारे ऊपर प्रेशर था, क्योंकि कुछ एक जो हमारी मांगे थी, चाहे वो सचिवालय की मांगे थी या ये पूरे जो प्रदेश की मांगे हैं, डीए है, एरियर है, ये इन पे कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे लोगों ने आस लगा रखी थी कि 15 अगस्त को डीए मिला था, हमने भी आस लगा रखी थी, हमने नहीं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इस बार आप अवश्य 15 अगस्त को कुछ न कुछ कर्मचारी को दे के आना, लेकिन जब देखा कि कुछ भी नहीं मिला कर्मचारी को, फिर कर्मचारी का आक्रोश और बढ़ गया। हमारा भी क्या है कि मुंडा जी, हम लोग चुने हुए होते हैं, यानी कि लोग हमें वोट देते हैं। अब वोट का मतलब कि एक तरह से हम उनके पास जो है ना गिरवी हो गए हैं। अब जैसे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा कि देखिए जी, अब तो आपको बाहर आना पड़ेगा, हमने पहले काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि हम चुने हुए हैं तो हमें उनका सम्मान करना पड़ता है, अपने कर्मचारियों का। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम एक गेट मीटिंग करेंगे। तो 21 तारीख को हमने गेट मीटिंग की, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ एक शब्दावली ठीक नहीं रही होगी, लेकिन और जो जहां तक मेरा संबंध है तो मैंने कोई ऐसी उसमें कोई बात नहीं कही थी। अच्छा, जनरल हाउस हुआ, लोग काफी भारी मात्रा में लोग बाहर आए थे उस दिन, और सचिवालय के क्या और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी यहां इकट्ठे हो गए थे। तो लेकिन 22 तारीख को क्या होता है कि किसी की तरफ से हमारे खिलाफ कोई एक बयानबाजी आती है, उससे कर्मचारी और बढ़ गए कि भाई ये तो बड़ी गलत बयानबाजी है। इस पे हमने भी फिर अपने कर्मचारी को समझाया, देखिए जो हो गया हो गया, लेकिन कर्मचारी ने हमारे ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि नहीं, हम पुतला फूकेंगे, हम घेराव करेंगे, हमने इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री तक के पुतले फूके। लेकिन हमने उनको समझा बुझा के हमने कहा ठीक है, हम पुतला नहीं फूकेंगे, लेकिन जो हमारा जनरल हाउस आज होने वाला है 23 तारीख को 1:30 बजे, उसमें हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। फिर हुआ भी वैसा ही, जब 1:30 बजे हम जनरल हाउस करने लगे तो वहां देखा तो लोगों में तो बहुत ही आक्रोश था और बहुत भारी जनता जो ना सामने थी। तो उस वक्त फिर जो ना शायद कहीं शब्दावली में कोई गलती हुई होगी, हो गई, लेकिन उसके बाद पता चला अगली बार फिर से सरकार की तरफ से किसी ने हमें कर्मचारी को कह दिया कि ये तो गुंडे हैं, मवाली है, लेकिन हम फिर भी चुप रहे कि भी चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा इस विवाद को सुलझाया जाए। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से हमारे ऊपर जब पता चला कि हमारे ऊपर प्रिविलेज मोशन लाया गया है, जब प्रिविलेज मोशन लाया तो उसके बाद और कर्मचारी अब भड़क चुके हैं। अब तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर, क्या आम जनता भी आज की डेट में देखो जाए तो हमारे साथ है। तो अब 22 तारीख तक आप वेट करेंगे, 23 तारीख को फिर आपका फिर से जनरल हाउस होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर से, टेंटेटिवली मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूँ। अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो हमारा प्रयास रहेगा हम 23 तारीख को जनरल हाउस करेंगे। लग रहा है आपको वार्ता पे बुला लेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल बुलाएंगे, तभी देखिए हमेशा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए और हम भी सकारात्मक दृष्टि से चलेंगे, शायद हमें बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री बुला लेंगे। जो प्रिविलेज मोशन की बात की जा रही है, कितने वर्ष हो गए आपको भी यहाँ पर सेवाएं देते हुए, कभी ऐसा हुआ पहले प्रिविलेज मोशन लाया गया कर्मचारी के खिलाफ? देखिए मुंडा जी, हिमाचल के इतिहास में अभी तक
कभी भी किसी भी चुने हुए कर्मचारी नेता के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं आया है, जहां तक हमारी जानकारी है। आपको मेमो भी जारी हुआ तो जवाब दे दिया? मेमो को हमने जवाब दे दिया है। कब दे दिया मेमो का जवाब? मेमो का जवाब तो मुझे लगता है 10 तारीख को हमने दे दिया था, 10-11 तारीख को। क्या पूछा गया था उसमें? ये कहा कि आपने आपकी जो शब्दावली वो ठीक नहीं थी, तो उसमें जो भी हमारा कंडक्ट ठीक नहीं रहा, सीसीए कंडक्ट के रूल के आप कर नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। जो चुने हुए होते हैं उनको अपनी आवाज बुलंद करने का पूरा वो दिया प्रावधान है, हमें पूरी तरह से स्वतंत्र थे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जो अन्य कर्मचारियों के वो बने हुए संघ बने हुए, उनका भी समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, कल, हाँ ये बात मैं अभी जरूर बता देना चाहता हूँ, कल शायद मिस्टर चौहान गुट है एक, वीरेंद्र चौहान, वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री से मिले और उनने पहली शर्त रखी कि ये जो विक्टिमाइजेशन है ये बंद की जाए। सबसे पहले ये जो प्रिविलेज मोशन है और इन कर्मचारी को जो मेमो दिए गए हैं ये वापस लिया जाए, उनकी पहली डिमांड ये थी पूरी कन्फेडरेशन की, और उसके बाद उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए। तो हम फिर वो हम लोगों से मिले तो हमारे को उन्होंने अवगत कराया इस बात से, और उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि अगर आप कल का जनरल, यानी कि आज का जनरल होशनी करते हैं, उसके बाद अगर आपको वार्ता के लिए नहीं बुलाएंगे तो पूरा कन्फेडरेशन खुले तौर से हमारा समर्थन करेगा और हमारे साथ हमारे जो भी जनरल हाउस या जो भी हमारी हो उसमें भाग लेगा। कल वार्तालाप के लिए आपको खुद बुलाया गया था कि आप गए थे वो करने वार्तालाप, किसी तरीके से आगे बढ़े बातचीत? देखिए मुंडा जी, मुझे तो फोन आया कि मुझे नीचे धौलटा मैडम है सीनियर स्पेशल प्राइवेट सेक्रेटरी, उनका वहां से फोन आया कि आप यहां आइए, तो मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि आपको कौर साहब के रूम में जाइए, उन्होंने आपसे बात करनी है। तो हम उनके कमरे में गए, पांचों एसोसिएशन वाले, तो उनसे बात हुई, तो उसके बाद जब वार्ता हुई तो फिर वो माननीय मुख्यमंत्री के पास रेजिडेंस पे गए, फिर वहां से उन्होंने मुझे कॉल किया कि माननीय मुख्यमंत्री कहा कि आप आज का जनरल हाउस स्थगित कर दो, हम आपको बहुत शीघ्र वार्ता के लिए बुला लेंगे। तो जो विवाद चल रहा है डीए जैसे विवाद उपजा था, हालांकि बहुत सारी चीजें और भी है यहाँ पर, आपने कहा कि कुछ पद खाली चल रहे हैं सेक्रेटरीट के अंदर भी, क्या लग रहा है? क्योंकि 15 अगस्त को आप आस थी आपको भी डीए की किस्त एक मिल जाएगी, अब लग रहा है कि अब क्योंकि बहुत नजदीक दिवाली आने वाली है, दिवाली में किस्त जारी हो जाए तो थोड़ा सा कर्मचारियों को राहत मिलेगी? बिल्कुल, जब वार्ता होगी उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएगी, अगर पैसे की कमी है खजाने में तो उस पर भी बात हो सकती है। लेकिन कर सकते हैं आप दिवाली के बाद भी? नहीं, चले वो तो वार्ता में होगा, जो भी होगा क्या होता वार्ता में निकल के क्या आता है। पहले आप वार्तालाप चाह रहे हैं? बिल्कुल, पहले हम वार्तालाप चाह रहे हैं, उसके बाद जो डीए है एरियर है उस पर बात होगी। ये प्रिविलेज मोशन वगैरह ये भी आपकी रहेगी एक शर्त? नहीं, वो तो होगी। देखिए जब भी वार्ता होगी पहली शर्त तो यही होती है कि जो प्रिविलेज मोशन या मेमो है इसको पहले वापस लिया जाए, तभी सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो सकती है ना। एक तरफ अगर आप हमारे ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे, दूसरी तरफ हम आपसे वार्ता करें कि ठीक है जब मान जाते हैं आप इतना डीए दो वो दो, वो तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जो हुआ है किसके पीछे हुआ है, हम डीए और वो मांग रहे थे उसी कारण हमारे ऊपर जो है ना ये सारे मेमो हमारे ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं। तो पहले तो निश्चित तौर पर जनरल हाउस हुआ था, बहुत सारी बातें ऐसी भी आ रही थी सामने कि जो सीएम साहब है उन तक सही सूचना नहीं पहुंचाई जा रही है, बीच में जो अधिकारी है बड़े अधिकारी है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो बात पहुंचनी चाहिए सीएम साहब तक वो नहीं पहुंच रही है, और एक जो आईना है वो कुछ अलग दिखाया जा रहा है कर्मचारी से रिलेटेड, डीए और एरियर से रिलेटेड? बिल्कुल, यही ये जो कम्युनिकेशन गैप आया है ये इसी का कारण है, क्योंकि अगर इनके पास कोई अच्छा कर्म अधिकारी होते या कोई इनके जो भी सलाहकार है वो होते, ओएसडी है या सलाहकार है या इनके जो अधिकारी हैं, अगर उनको फैक्चुअल पोजीशन बताते तो मुझे नहीं लगता कि ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता। इनके पास जो सही स्थिति है वो नहीं दी जा रही है। मुझे तो लगता है जो ये सीआईडी है ये भी कहीं ना कहीं फेलियर है, इनका भी फेलियर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज इस हमारे आंदोलन में पूरे प्रदेश के पेंशनर यानी कि 2.5 लाख पेंशनर, पूरे प्रदेश के कर्मचारी यानी कि ये भी 2.5 लाख है, उनके साथ साथ आम जनमानस भी हमारे साथ जुड़ा है। क्योंकि जब से ये मेमो देना शुरू किया इन्होंने या प्रिविलेज मोशन, मुझे तो लगता है सीएम साहब को तो मालूम ही नहीं होगा कि प्रिविलेज मोशन आ गया होगा, मुझे तो लगता है सीएम साहब को यह भी मालूम नहीं होगी मामले को मेमो दिया गया, क्योंकि आज तक कभी भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जहां तक सचिवालय की बात है गेट मीटिंग के लिए मेमो नहीं दिया गया कर्मचारियों को। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने कर्मचारी पे प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया था 50 रूपये, वकीलों पे, डॉक्टरों पे और कर्मचारियों पे भी। हमने पहला हल्ला यहाँ पे बोला, गेट मीटिंग की, उसके तुरंत एक दो घंटे के बाद जो उनके साथ उनके एडवाइजर थे, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमारे को बुला दिया और हमारे को मुख्यमंत्री महोदय के पास ले गई। और मुख्यमंत्री बोले, ये तो कहते रोष व्यक्त कर रहे, कहते आपने क्यों लगा दिया, ये कोई प्रोफेशनल थोड़े ना। जब हमने अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री के पास रखी, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री पास, उनके समझ में आ गया और उन्होंने उसी टाइम वो विड्रॉ कर दिया। लेकिन आज यहां क्या हुआ, जब जनरल हाउस हुआ, एक हो गए, तो किसी ने भी मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया होगा। ये स्थिति खराब हो सकती है सचिवालय की, यहां से पूरे प्रदेश को एक मैसेज आता है कि सचिवालय जो है कर्मचारी सरकार का दिल होता है। अगर प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है तो सचिवालय जो है सरकार का दिल है। अगर आप दिल में ही छेद कर दोगे तो कैसे चलेगा, अगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया तो क्या होगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, इमोशन लाए जाने की बात की, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि सेक्रेटरी में अगर कर्मचारी शांत हो जाए इस तरीके के फरमान निकाल करके, उसके बाद जो अन्य कर्मचारी वो खुद ही शांत हो जाएंगे, तो ये प्रिविलेज मोशन से डराने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा। नहीं तो आपने देखा ना, आज आप पेपर पढ़िए, जो दूसरे कर्मचारी है जो कल मिलने गए माननीय मुख्यमंत्री से, उनकी पहली डिमांड ये थी कि प्रिविलेज मोशन और मेमो पहले वापस किया जाए, उनकी ये डिमांड थी। यानी कि हर कर्मचारी जानता है कि ये गलत है, ये तरीका अपना अपने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो कभी प्रिविलेज मोशन भी नहीं लाया था, क्या हालत हुई देखिए। तो कर्मचारी के साथ इस तरह से, क्योंकि जो कर्मचारी हो तो परिवार का सदस्य होता है, ठीक है, अगर हमारे से कोई गलती होती, माननीय मुख्यमंत्री हमें बुलाते, हमें डांटते, बोलते कि भी देखिए आपने ये गलत किया, तो हम बोलते। सिंह साहब कह रहे हैं कि कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा ही अंग है, अभी थोड़ी स्थिति ऐसी नहीं है कि डीएरियर दिया जाए, जरूर दिया जाएगा, थोड़ा सा रुकिए, 6-7 महीने, उन्होंने टाइम भी बोला 6-7 महीने के अंदर दे दिया जाएगा आपको, थोड़ा इंतजार करके। आपको नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी, और जो आपके पेंडिंग बनता है जितना का बताइए, एरियर हो, डीए हो। देखिए मुंडे जी, ये तो वार्ता में होगा ना, आप हमें पहले वार्ता के लिए बुलाइए तो सही, अगर पैसे नहीं हम बताएंगे ना कहां से पैसे आ सकते हैं, कहां पैसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो सचिवालय का कर्मचारी, उनको सब पता होता है कि पैसा है नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, काफी कर्मचारी गुट बने हुए हैं, एक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हुआ करता था जो जिसको वार्ता कर बुलाया जाता था, ऐसा तो नहीं गुटों में जो बटे हुए कर्मचारी, इस वजह से जो है ये नौबत आ गई आज की, इस तरीके से जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर प्रिविलेज मोशन की बात हो रही है और मेमो की बात हो रही है, जो कर्मचारी गुटों में बंटे हुए हैं इसी वजह से जो है आपको नुकसान हो रहा है, फिर अब जो भी आपकी अदायगी होनी है, जो देनदारी है आपको। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो सचिवालय का संगठन है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। पहली बात, सचिवालय संगठन या तो बाहर आता नहीं है, अगर आता है ना तो फिर कुछ ना कुछ पाके आता है। नंबर दो, जो आज ये संगठन है, कोई अलग अलग गुट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज तक कहां थे, अगर ये सही मायने में, जैसे कल वाले गुट था वीरेंद्र चौहान का, उन्होंने हमारे समर्थन में बात की, उनको भी मालूम है कि यस उनके साथ गलत हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने जो ना कर्मचारियों की जो भावनाएं हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री के सामने पेश किया है, और उन्होंने सबसे पहले उनकी यही डिमांड थी कि पहले ये प्रिविलेज मोशन और मेमो वापस किया जाए, उसके बाद उन्होंने अपना डिमांड चार्टर सौंपा। लेकिन जो बाकी गुट है, उन्होंने तो कभी ये तक नहीं कहा कि यहाँ ये जो डीए, हमारे को डीए मिलना चाहिए या हमारे को एरियर मिलना चाहिए, है ना। अगर वो अपने अकेले नहीं लड़ सकते हैं, क्या वो सिर्फ इसीलिए कर्मचारी नेता बने कि उनको मान्यता दी जाए, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो भी हमारे एक दो शब्द हमारे फेवर में कहे। एक और चीज देखिए आप, किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने कहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अंदर से खाते वो भी जानते कि यार इनकी मांग सही है, हम गलत नहीं मांग रहे। तो 22 तक आप इंतजार करेंगे, फिर 23 से अगर नहीं आपको बता, बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव वे में है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि हाँ बुलाएंगे तो फिर 23 से। हाँ नहीं, देखो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री बुलाएंगे, है ना, और बैठ के सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, जो हमारी डिमांड है उस पर भी वो निश्चित तौर से जो ना गौर फरमाएंगे और उनको पूरा करेंगे।